जंगलों की भूमि कहलाने वाला भारत का एक खूबसूरत राज्य है झारखंड, जिसके नाम में ही छुपी है इसकी पहचान। झार या झाड़, जिसे हम वन भी कह सकते हैं, और खंड यानी टुकड़े से मिलकर बने झारखंड को सन 2000 में दक्षिण बिहार से अलग करके बनाया गया था। भारत के पूर्वी भाग में स्थित यह राज्य वनस्पतियों और जीव जंतुओं से समृद्ध है। यह राज्य उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, दक्षिण में ओडिशा और पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य से घिरा हुआ है। आइए दोस्तों, आपको रूबरू करवाते हैं झारखंड से। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। झारखंड की राजधानी शहर है रांची, एक ऐसा शहर जहां पर प्रकृति ने अपने सौंदर्य को खुलकर लुटाया है। इसे झरनों का शहर भी कहा जाता है। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ का मौसम साल भर सुहावना रहता है। गोंडा हिल और रॉक गार्डन, मछली घर, बिरसा जैविक उद्यान, टैगोर हिल, आदिवासी संग्रहालय आदि इसके प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। मेहनती तथा उद्यमी लोगों का शहर रांची एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र भी है। बता दें कि रांची भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का गृह नगर होने के लिए भी प्रसिद्ध है। झारखंड को प्रकृति ने बेहद खूबसूरती और असीमित पर्यटन स्थलों से नवाजा है, जिनमें खूबसूरत झरने, नदी, पहाड़ और वन्य प्रदेश शामिल है। वहीं दूसरी ओर कई मानव निर्मित भी हैं, जैसे उद्यान, मंदिर और प्राचीन कला स्थल। यहाँ के रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, देवघर, गिरिडीह, साहिबगंज, धनबाद, नेतरहाट आदि सबसे शानदार पर्यटन स्थल हैं, जो लाखों यात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान है। जिन लोगों को जंगल और पहाड़ी घूमना पसंद है, उन्हें झारखंड जरूर जाना चाहिए। झारखंड भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पूरे भारत का 40% से भी अधिक खनिज और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसीलिए तो पूरे झारखंड की अर्थव्यवस्था ज्यादातर खनिज और वन पर आधारित है। ये पूरे भारत में वन्य जीव संरक्षण के लिए भी मशहूर है। ये राज्य भारत में भारी उद्योगों के लिए जाना जाता है। लोहा, ग्रेफाइट, कोयला, चूना पत्थर, यूरेनियम और अनेकों खनिजों के कारण उद्योग धंधों का झारखंड में जाल बिछा हुआ है। जमशेदपुर इसका सबसे बड़ा और प्रमुख औद्योगिक नगर है। आपको बता दें कि भारत का सबसे पहला और पूरी दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा कारखाना टाटा स्टील जमशेदपुर में है। बहुत सारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की वजह से ये राज्य व्यावसायिक पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। झारखंड आदिवासियों से घिरा हुआ एक राज्य है, जहाँ पर कुल 32 जनजातियाँ मिलकर रहती हैं। इसलिए राज्य की संस्कृति और जीवन शैली में प्रकृति की महत्वपूर्ण भूमिका है। आदिवासियों का अनोखा जीवन और उनके रीति रिवाज पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। झारखंड यहाँ पर मनाए जाने वाले त्योहारों की मेजबानी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पूरे मजे और उल्लास के साथ सभी त्योहारों को मनाया जाता है। लोग यहाँ परंपरा के तौर पर पवित्र पौधों को खरीद कर उन्हें अपने घर के आंगन में लगाते हैं। झारखंड का अधिकतम हिस्सा ग्रामीण है और केवल 24% लोग ही शहरों में रहते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा धान की खेती की जाती है। राज्य का मुख्य भोजन लिट्टी चोखा है। यहाँ का मांसाहारी भोजन मुंह में पानी ला देने वाला होता है, जो विशेष तरीके से बनाया जाता है। यहाँ कई प्रकार की स्थानीय शराब भी मिलती है, जिनमें हार्डिया, राइस बियर आदि शामिल है। हिंदी राज्य की प्रधान भाषा है, साथ ही लोग दूसरी भाषाओं का भी उपयोग करते हैं। दोस्तों, क्या आप कभी झारखंड घूमने गए हो? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब।